5 वर्ष की लीजा का लीवर जम से ही खराब है। परिजन उपचार करा करा कर थक चुके हैं। अब लीवर ट्रांसफॉर्म ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन परिजन के सामने आर्थिक समस्या आ रही है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने 5 लाख की मदद करने का आश्वासन दिया है। देखिए ये खास खबर। कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में सपना पगारे अपनी 5 वर्षीय बेटी को लेकर पहुंची। 5 वर्षीय लीजा का लीवर जन्म से ही खराब है। परिजन उसका उपचार शहर के विभिन्न अस्पतालों में करा चुके हैं, लेकिन डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बताया है। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 17 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर पगारे परिवार अपनी मासूम का ऑपरेशन कराने में असमर्थ है। मंगलवार को सपना पगारे मासूम लीजा को लेकर कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंची। कलेक्टर ने पूरा प्रकरण सुनने के बाद 5 लाख की सहायता का आश्वासन दिया। मेरी बेटी है ये 4 साल की, इसका लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसका 17 लाख का खर्चा है। तो इतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम कलेक्टर सर से मिलने आए थे, तो उन्होंने बोला है कि 5 लाख तक का आश्वासन दिया है कि हम कर देंगे मदद। सबसे मदद ले रहे हैं इधर उधर, हाँ अपना क्या बोलते हैं ग्रुप से, संस्थाओं से सबसे मदद जो जैसा दे देते हैं। इंदौर के बाहर नहीं जाना चाहते हम लोग, यहीं पर ही करवाएंगे विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में। उन्होंने 5 लाख की हाँ उन कर रहे हैं बात। ये इलाज तो ये साल भर की थी जब से चल रहा है, इसके लिए हम जगह जगह भटके हैं इधर उधर, और इसका मतलब कुछ इलाज नहीं बना है इसकी बीमारी का, तो लीवर ट्रांसप्लांट ही होगा। तो 2 साल तो लॉकडाउन लग गए, ऐसे ही व्यस्त हो गए, तो अब इसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको हार्ट में भी फैल गई है, तो इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर करवाना ही है। कलेक्टर के अनुसार आयुष्मान योजना में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए सहायता नहीं की जाती है, लेकिन इसे स्पेशल प्रकरण मानते हुए भोपाल स्तर पर मंजूर कराया जा रहा है। वैसे लीवर ट्रांसप्लांटेशन में आयुष्मान पैकेज का इश्यू था, हम लोग अभी ना भोपाल से बात करके एक स्पेशल ना परमिशंस लेकर के उनका अप टू 5 लाख तक की ना प्रोविजंस है, कोशिश करेंगे कि मतलब है ना उस बच्चे का है ना हम लोग हेल्प कर सके। कलेक्टर ने सामाजिक संगठनों से भी मासूम लीजा के लीवर ट्रांसप्लांट में मदद की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।